हाय, वेलकम टू ज़ुरिक पेट एसोसिएशन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डेली डॉग प्राइस अपडेट। और आज दूंगा कुछ बेहतरीन ब्रीड की इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट शुरू करते हैं लेब्राडोर से। लेब्राडोर की यू तो प्राइस काफ़ी डिपेंड करता है ग्रोथ के साथ, हेल्थ के साथ, ब्लड लाइन के साथ और कलर के साथ एंड पेरेंटल हिस्ट्री के साथ भी बहुत डिपेंड करता है। और अभी आप जो जिस क्वालिटी का लेब्राडोर आप देख रहे हैं, ऐसा क्वालिटी का लेब्राडोर अगर आप देखेंगे, कुछ कुछ जगह में बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ जगह में बहुत कम है प्राइस। अगर आप मैं शुरू करूँ मुंबई जैसे जगह में अगर आप एक वर्क लाइन लेब्राडोर, अमेरिकन लेब्राडोर आप लेंगे तो प्राइस मोटा मोटी 10,000 से 12,000 के बीच में है। अगर शो क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लेब्राडोर लेना चाहते हैं तो 15,000 से 18,000 तक हो सकता है। मतलब मुंबई में जैसे मान लीजिए 12,000 के आसपास में लेब्राडोर, एक अच्छा क्वालिटी का लेब्राडोर मिल जाएगा। अगर और कलर में डिपेंड करता है, मैं जो कलर बोलो व्हाइट यानी फोन कलर का ये प्राइस है। और अगर आप ब्लैक कलर और दूसरा कलर में जाए तो थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा हो सकता है। दिल्ली जैसे जगह में इस क्वालिटी का लेब्राडोर लेंगे, मैं बाद में कुछ पपीज भी दिखाऊंगा, दिल्ली जैसे जगह में लेंगे तो मोटा मोटी 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और शो क्वालिटी का उससे हैवी थोड़ा 12,000 तक मिल सकता है। पंजाब में अगर ब्रीडिंग डायरेक्ट ब्रीडर से ले रहे हो तो आपको 7,000-8,000 में भी लेब्राडोर पपी मिल सकता है। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का हेल्थ का लेब्राडोर पपी मिल सकता है। और हरियाणा में देखेंगे तो हरियाणा में डिपेंड करता है मेनली इंग्लिश लेब्राडोर, काफ़ी ज़्यादा ब्रीड होता है हरियाणा में। इंग्लिश लेब्राडोर लेंगे आप हरियाणा जैसे जगह में तो हरियाणा में भी प्राइस मोटा मोटी 12,000 से 15,000 हो सकता है। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैनल है जो कैसे रजिस्टर कैनल है, कैसे रजिस्टर कैनल वगैरह में लेने से मोटा मोटी 15,000 के आसपास हो सकता है अच्छा ब्लड लाइन का लेब्राडोर पपी, जो कि इंग्लिश भी हो सकता है और अमेरिकन ब्लड लाइन का भी लेब्राडोर हो सकता है। और राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में भी मोटा मोटी 12,000 के आसपास में है। और अभी आते हैं कोलकाता में देखेंगे तो लेब्राडोर इस क्वालिटी का लेब्राडोर जैसे आप देख रहे हैं 10,000 से लेके मोटा मोटी 14,000-16,000 तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है हेल्थ में और एज भी बहुत डिपेंड होता है। और गुवाहाटी में आएंगे, अभी गुवाहाटी का बात करेंगे। गुवाहाटी में देखेंगे तो गुवाहाटी में मेनली जो खुद ब्रीड करता है वो लोग तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के रखते हैं, बिकॉज आप लेने जाएंगे डायरेक्ट ब्रीडर के पास या डायरेक्ट किसी ओनर के पास जो ब्रीड करता है, डायरेक्ट उनके पास जाएंगे तो वो लोग लेब्राडोर का मदर दिखाएगा, फादर दिखाएगा, उसके बाद बोलेगा ये क्वालिटी का है। तो अच्छा क्वालिटी का होने से प्राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और कोई कोई जैसे सेलर है, जैसे बाहर से लाते हैं पपी, जैसे कोई दिल्ली से लाता है, कोई कोलकाता से लाता है, तो मान लीजिए कोलकाता में 10,000 है तो गुवाहाटी आते आते मतलब 1,500-2,000 का खर्चा हो जाता है। उसके बाद अगर 2-3 दिन रखेगा फिर वो अपना 3,000-4,000 ऐड करके मोटा मोटी 17,000-16,000-17,000 डिमांड करता है। और फिर घुमा फिरा के 15,000 जैसे मैं आपको पपी दे देता है। तो मतलब गुवाहाटी में ऐसे क्वालिटी का 15,000 के आसपास में है। ब्लैक कलर और चॉकलेट कलर में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और इंग्लिश लेब्राडोर का तो ऑब्वियसली 20,000 प्लस ही है गुवाहाटी जैसे जगह में। और तो घुमा फिरा के आपको देखने को मिलता है कि मुंबई और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, बाकी सब स्टेट में मोटा मोटी बढ़िया प्राइस है, एक रीजनेबल प्राइस या लो प्राइस ही बोल सकते हैं। और कोई कोई जगह में तो काफ़ी 6,000-7,000 में भी अच्छा अच्छा क्वालिटी का लेब्राडोर मिलता है, अगर बहुत बड़ा लीटर हुआ और डायरेक्ट ब्रीडर से आपको मिले तो। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम लोग जर्मन शेफर्ड की, लॉन्ग कोट की पपी। जर्मन शेफर्ड की अगर आप देखें दोस्तों, थोड़ा बहुत बाहर से बैकग्राउंड नॉइज आ सकता है, बिकॉज मैं अभी गाड़ी में बैठा हुआ और बाहर बहुत बारिश हो रहा है तो मे भी थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकता है। बट मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से अच्छा क्वालिटी ऑडियो देने के लिए। तो लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड का अगर आप प्राइस देखेंगे तो मुंबई जैसा जगह में एक वॉक लाइन जर्मन शेफर्ड का प्राइस मोटा मोटी जिस क्वालिटी का दिखा रहा है 15,000 के आसपास पे आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम प्राइस बोल रहा हूँ, और मिनिमम जैसे 12,000-13,000 से भी आपको मिल जाएगा। दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली जैसे जगह में इस क्वालिटी का जर्मन शेफर्ड जो अभी आप दिख रहे फोटो जो मैंने लगाया फोटो या वीडियो, तो इस जर्मन शेफर्ड लेंगे तो दिल्ली से जगह मोटा मोटी 10,000 के आसपास मिल जाएगा। और विदाउट कैसे पेपर होने से वो आपको 8,000-9,000 में मिल सकता है। पंजाब हरियाणा में भी आपको 10,000 से लेकर 12,000 में मिल जाएगा जर्मन शेफर्ड अच्छा क्वालिटी का हैवी बोन का। और
अगर आप अब बात करेंगे राजस्थान जैसे जगह में, राजस्थान में भी आपको 10 to 12,000 के बीच में मिलेगा। साउथ में अगर आप जाएंगे बेंगलोर हैदराबाद वो सब एरिया में भी मोटा मोटी 15,000 के आसपास में है। और साउथ में मैक्सिमम ब्रीडर विथ केसीआई पेपर ही आपको पपी प्रोवाइड करेंगे, तो प्राइस थोड़ा बहुत 1-1.5 हज़ार थोड़ा कुछ प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है। कोलकाता में देखेंगे तो 12 to 15,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। गुवाहाटी असम में प्राइस थोड़ा ज़्यादा है बिकॉज दूसरा जगह से आता है, जर्मन शेफर्ड का ब्रीड होता है और जो ब्रीड होता है वो थोड़ा सा कम ब्रीड होता है, और जो जिन लोगों के पास ब्रीड होते हैं वो लोग भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस करके रखा है। तो गुवाहाटी जैसे जगह में अगर आप लेंगे डबल कोट का जर्मन शेफर्ड जो क्वालिटी दिख रहा है इस क्वालिटी का, तो उसका प्राइस लगभग आपको मान के चलिए 15 to 18,000 हो सकता है, कम करके दे सकते हैं, बट वो प्रॉफिट वगैरह लगा के अपना आस्किंग प्राइस 20,000 बट और घुमा फिरा के मतलब कम करके थोड़ा बार्गेनिंग करके 17-18,000 में आपको ऐसा क्वालिटी का पपी दे। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग ब्रीड ले रहे हैं साइबेरियन हस्की, काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का साइबेरियन हस्की के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो क्वालिटी दिख रहे हैं वह यू तो डिपेंड करते हैं कि साइबेरियन हस्की का हेल्थ ब्लड लाइन, और मैक्सिमम कुछ कुछ साइबेरियन हस्की इंडिया में इंपोर्ट ब्लड लाइन का भी आता है कुछ कुछ जगह में, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ब्लड लाइन का प्राइस थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। और हस्की का एक और फैक्टर है, और कोई बोलते हैं उल्ली कोट और कोई नॉर्मल कोट, नॉर्मल उल्ली कोट मतलब थोड़ा बहुत फुसी टाइप का होता है, मतलब क्या बोलते हैं ज़्यादा थोड़ा कोटेड होता है, बहुत फालू जैसा दिखता है, उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो सकता है, जैसे और व्हाइट कलर में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं जो ब्लू कलर का है आइज उसका भी थोड़ा ज़्यादा करके रखता है, और ब्लैक कलर या नॉर्मल आइज वाले का प्राइस थोड़ा कम करके रखता है। तो प्राइस के बारे में बात करेंगे, मुंबई जैसे जगह में जिस क्वालिटी का आप दिख रहे हैं साइबेरियन हस्की, मुंबई जैसे जगह में अगर साइबेरियन हस्की देखेंगे इस क्वालिटी का, मोटा मोटी आपको 25,000 के आसपास में मिल जाएगा। दिल्ली में मान लीजिए ऐसा एक एवरेज क्वालिटी का, एवरेज मतलब वॉक लाइन क्वालिटी का 20,000 में मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। हरियाणा में कोई कोई लोग ब्रीड करते हैं, तो अच्छा ब्लड लाइन का होने से और कैसे पेपर वगैरह देने से, और अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्थ डाइट मेंटेन किया तो मोटा मोटी 30,000 के आसपास जा सकते हैं, और कम में मान लीजिए 18-20,000 से शुरू होता है। पंजाब में भी 20-25,000 के आसपास में जैसे प्राइस हो सकता है। कोलकाता में देखेंगे साइबेरियन हस्की का प्राइस, अगर कोई कोई ब्रीडर का बहुत लो क्वालिटी का चिप क्वालिटी का होता है वो 15-20 में भी देता है, और कोई कोई कुछ अच्छा क्वालिटी का देखने से आपको अच्छा लगता है, ब्लू कलर आइज होगा या ब्लैक कलर आइज इतना मैटर नहीं करता है आइज का कलर, तो मान के चलिए 30,000 तक दे सकते हैं। गुवाहाटी असम में आएंगे तो गुवाहाटी असम नॉर्थ ईस्ट काफ़ी अच्छा एक वेदर का जगह है अपने हस्के से ब्रीद के लिए, जो गर्मी में ज़्यादा नहीं रह सकते, तो वह सब जगह में मान लीजिए 60,000 कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, 50 to 60,000 डिमांड करता है साइबेरियन हस्की का, और अगर काफ़ी ज़्यादा बार्गेन कर सकते हैं तो 40-45 में आप साइबेरियन हस्की ले सकते हैं विथ केसीआई पेपर।